जानवर को हम कुर्बान करते हैं, कसाई कुर्बान करके चला जाता है और उसके बाद घर में उसको जो है ना उसके हिस्से बनाना है या काटना पीटना है, सफाई करनी, छुरियाँ तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। छुरी तेज़ करने के लिए मोस्टली ये कि उसको आपने तेज़ करवा लिया जाता है किसी को दे के जैसे होता है, या उसको लकड़ी के ऊपर रगड़ते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो एक आलू लेके आपने, आलू कच्चा जो आलू होता है उसको आपने छुरी के ऊपर, उसकी धार के ऊपर उसको रगड़ना है। उससे छुरी बहुत तेज़ हो जाती है, उसकी धार एकदम बिल्कुल नई छुरी की तरह हो जाएगी। और जैसे जैसे गोश्त काटते हैं, साफ़ करते हैं, तो छुरी की धार ख़राब हो जाती है। तो आलू का एक टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर आप उसको मलिए, छुरी उसके अंदर डाल के इस तरह से आप दोबारा दो तीन दफ़ा चलाएंगे तो वो छुरी दोबारा से तेज़ हो जाएगी। अगर छुरी के ऊपर जंग आ रहा है, नॉर्मली साल के साल छुरियाँ निकल रही होती है कुर्बानी वाली, अलसी का तेल लीजिए, थोड़ा सा उसमें कपड़ा भिगोइए और उसमें छुरियाँ लपेट दीजिए, थोड़ी देर बाद साफ़ करेंगे तो सारा जंग निकल जाएगा। छुरी हो, बुगदे हो, जिसके ऊपर भी इतना जंग लग गया है, आप इसको ऐसे साफ़ कर सकते हैं।